प्रमोद धाम नडे मंच ते अडी सरा मजु आमा खोज पड़ा करा बी गुडा रे फ्लिप आमे खोज प्रमोद पुरन हम प्रमोद जहर की मिले मा बी गुडा रे फ्लिप आमे खोज अडी सरा नडे मजु साथी कमेंटेटर शिवशंकर हेमरत जी, हम दोनों मिलकर आपको बारी बारी से आंखों का हाल प्रस्तुत करेंगे। पैसे से हम दोनों शिक्षक हैं, हमारे JMPS मिशन पब्लिक स्कूल के टीचर जो हमारे साथी कमेंटेटर के रूप में मेरे साथ मंच पर मंचासीन हैं और इस प्रकार से सर्दी अवेलेबल पहला गोल दागता हुआ बहुत आसानी से और बहुत ही कम मेहनत से सहदी अवेलेबल को यह गोल, जिस खिलाड़ी ने गोल किया भैया हाथ उठाकर अपनी जर्सी नंबर दिखाएंगे, जर्सी नंबर सात दुनिया की सबसे मशहूर स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जर्सी नंबर सात धारण करते हैं। और फिलहाल सऊदी 11-1 की बढ़त बढ़ाकर शुरुआती क्षणों में गोल दागा जर्सी नंबर सात की बहुत ही आसानी से। जब तक कुछ समझ पाते मास्टर टीम, तब तक गेंद जो है नेट में समा गई। तो मैं बता रहा था शिवशंकर हेमरम जी जो हम दोनों कमेंटेटर शिक्षक के रूप में ये हमारे मिशन JMPS मिशन पब्लिक इंग्लिश स्कूल के टीचर हैं और मैं भी लगड़ा मोड़ में मेरा कोचिंग सेंटर चलता है, जागृति कोचिंग सेंटर, जो जहाँ पर अभी मेला लगा हुआ है वहीं पर मेरी कोचिंग सेंटर है। आप अपने बच्चों को अगर नामांकन कराना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो जागृति कोचिंग सेंटर में आप नामांकन करा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अपने बच्चों को इंफॉर्म करना चाहते हैं, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए आप जागृति कोचिंग सेंटर में नामांकन कराएं। मेरा मोबाइल नंबर 9955188695 9955188695। अगर हमारी कमेंट्री भी अगर आपको अच्छी लगती हो तो जहाँ भी टूर्नामेंट हो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल सहदेव एकादर काफी तेज तरार फुटबॉल का नमूना पेश करता हुआ एक बार काफी अच्छा मूव बनाता हुआ जर्सी नंबर 9, लेकिन थोड़ी खिलाड़ी मौजूद नहीं जिस कारण कोई खतरा नहीं। मास्टर टीम हालांकि अभी काफी सा वक्त है, पहला हाफ का शुरुआती चलता हुआ जर्सी नंबर 10 फिलहाल गेंद को कब्जे में करता हुआ मास्टर टीम और 12 नंबर जर्सी जो जिसका बहुत ही खराब टिकल जर्सी नंबर 11 पर, जिस कारण खामियाजा भुगतना पड़ा, फ्री किक मिलता हुआ मास्टर स्टंप। जर्सी नंबर 15 सहरी एकादर बहुत, जर्सी नंबर 10 बहुत ही तालमेल बनाता हुआ सहदेव एकादश, तालमेल में कोई भी कमी नहीं, बहुत ही अच्छी तालमेल सहदेव एकादश की भी। फिलहाल गेंद को कब्जे में करता हुआ मास्टर टीम की भी खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब, उन्होंने सेमीफाइनल तक की दूरी तय की है अपने स्ट्राइकर और डिफेंडर की बदौलत। और फिलहाल संघर्ष करता हुआ और एक मौका बनाता हुआ बाएं छोर से जर्सी नंबर 5 लंबे कद के खिलाड़ी किक लेने के लिए और दिशाहीन शॉट, दिशा से भटकती हुई शॉट। अगर आपको गोल देना है मेरे दोस्तों तो टारगेट पर रखना होगा।
क्योंकि दिशाहीन शॉट से कोई फायदा नहीं। बॉल बॉय आप बॉल लाने में विलंब न करें, चारों तरफ बॉल बॉयज रहेंगे और कमिटी के भी जितने सदस्य हैं उनसे मेरी आग्रह होगी कि आप शायद बैट पहन लिए होंगे और आपसे निवेदन होगा कि आप मैदान के चारों ओर चक्कर लगाएं और निगरानी समिति में रहे। और दर्शक बंधु आपसे भी ये अपेक्षा होगी कि आप अपने अपने वाहनों को स्टैंड पर रखें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, क्योंकि दो दिनों से मैंने सुना कि यहाँ साइकिल की भी चोरी हुई है, इसलिए आप अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रखें क्योंकि कमेटी की ओर से स्टैंड का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल दोनों ही टीमें पहले हाफ में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करती हुई जर्सी नंबर 5 बैक पास साथी खिलाड़ी को ढूंढता हुआ, लेकिन जर्सी नंबर 6 प्रदीप कादर मास्टर टीम को और एक बार मैं पुनः अपने साथी को मैं टीचर जी को आमंत्रित करूंगा। शिव शंकर हेमरम जी आप आए और आगे गांव को दिखा हाल प्रस्तुत करें। धन्यवाद अड़ेड़ी सर नसीम जी और और पहला हाफ का खेल जारी किया एकादश पहला ही हाफ रिगी खेल का शुरुआत रिगी 1-0 बढ़त जरूर बना चुको का, लेकिन काफी ये मोमेंट बढ़िया बना चुको का, लेकिन उन्हें की तगड़ा गोलकीपर हो मास्टर टीम ने आया कब जरे बोले हो गया और खतरा इतना लागू और डिफेंस आयरन साथ के लिए 3 नंबर लगी बॉल लहा का दिया, लेकिन नोडे शहदी एकादश रन बोले कंट्रोल रे को किया, लेकिन बहुत बढ़िया 6 नंबर मास्टर टीम रन डिफेंड आयरन साथी के लिए, लेकिन प्लेस में बाको प्लेसिंग गाड़ी पे और ऑफसाइड का पहले झंडा लहरा उठ को का देना फाइनल दिन भूल दिवस अवसर और सीधो कनु मेला लजड़ है रे सीधो कनु का स्पोर्टिंग क्लब लकड़ा मोड़ रहे गुड़ा कुआ अड़ी कुरुमुटु अड़ी आई मकुरुमुटु और तिहीन ये फाइनल तभी अड़ी नपाई थी को शेटे रखो क्या अद सूर संगी को बेहे अगन को बाबू यहां मिशी को न्यू को एस्पोर्टिंग को लो बाटा सिंह को नाई मा गुण मान सो हार सला ले अतंग दरा में दिया और न्यूआ कमिटी रे मुख्य चेहरी मरंग योगदान में ना का अध्यक्ष है प्रमोद सोरेन और सचिव सीतेश मरंडी और कोषाध्यक्ष रूप रेखा अड़ी नपाय योगदान एम का मनोज चोड़े और जो तो क्लब रन बुढ़ा को आईमा आईमा आपे गुणमान को चाला पे करा अड़ी अड़ी सर हाँ और
अनुशासन का खेल दिखाएं, क्योंकि अनुशासन ही जिस तरह से देश को महान बनाता है, खिलाड़ी आप सबको भी अनुशासन महान बना सकता है। आर्मी धाओ, फाउल लड़े जरूर करने का मास्टर टे और रेफरी वो का अनुभव झलको करना बढ़िया। और जो तो लुगु दो क्वालिफाइड और ये सरदार और नौकरी करते मास्टर टीम वापसी किया है। और सरदार पहला हाफ लेके एक एक गिरना बढ़िया वापसी मास्टर टीम धन्यवाद। अड़ेरी सर हाँ तेरा नंबर चौदह नंबर द्वारा बढ़िया वापसी योग्यता मास्टर टीम लगे। और जैसे ही मैं बता रहा था कि यहाँ जो रेफरी जितने भी रेफरी मंडली है सब क्वालिफाइड है। और एक बार फिर जोरदार शॉट जरूर था लेकिन और यहाँ बॉल कंट्रोल नहीं रख पाए मास्टर टीम के ये आलो नंबर की लड़ी और बॉल थ्रो इन के लिए जनरल जनरल सिद्धू रहो बढ़िया परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस मास्टर टीम पहले ही दबाव में जरूर थे लेकिन वापसी और इस तरह से यहाँ पे मास्टर टीम में आप वापसी जरूर किए हैं दबाव में लेकिन जरूर लग रहे जो तो एक सी पिछड़ती हुई एक बार पायल छोड़ सी मास्टर टीम आगे बढ़ता हुआ लेकिन तब तक के लिए गेंद आउट लाइन से बाहर कोई खतरा नहीं। फिलहाल सहदेव कादर बाएं छोर से साथी खिलाड़ी को जर्सी नंबर 10 के लिए गेंद को अपने कब्जे में लिया। जर्सी नंबर 11 सहदेव कादर बैक पास तालमेल बनाने की फिराक दी। सहदेव कादर छोटे छोटे पास के माध्यम से अभी भी गेंद को कब्जे में। सहदेव कादर बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा मौका जर्सी नंबर 7 और फ्री किक अर्जित करने में कामयाब मास्टर टीम। बहुत ही अच्छा मौसम ये सुनहला मौसम एक तरफ ये जल सैलाब तो दूसरी तरफ ये दूसरे सेमीफाइनल का दूसरे हाफ का जल तो तीसरी तरफ ये पेवलियन मंच जिस मंच पर हमारे सारे कमेटी के सदस्य हालांकि दोनों ही टीमें के खिलाड़ी काफी सुसज्जित
काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ जर्सी नंबर 15 के द्वारा एक लंबा शॉट और एक गोल्डन चार, लेकिन गोल बार से काफी दूर जाती हुई है शॉट। फिलहाल दूसरा हाफ का ये खेल मास्टर टीम प्रो सहदेव एकादश एक बार सहदेव एकादश पीछे और दोनों ही टीमों के 10 नंबर के खिलाड़ी फिलहाल गेम आउट लाइन से बाहर और असिस्टेंट रेफरी ने दोनों बाजुओं को हवा में लहराता हुआ सहदेव जो काफी प्रयास करती हुई बारंबार गेंद को कब्जे में करने की फिराक और इस प्रकार से और दर्शक बंधु जो सामने में जो डाग लाइन पर बैठे उनसे गुजारिश है कि डाग लाइन को छोड़कर बैठे और पवेलियन मंच के सामने कोई भी दर्शक खड़ा न रहे और दाहिने तरफ जो हमारी महिलाओं के लिए जगह सुरक्षित की गई है उस जगह को छोड़ दें और ये दूसरे हाफ का पहला कॉर्नर की मास्टर टीम के लिए सफेद जर्सी भी ये मास्टर टीम जो 2-1 से बढ़त बनाकर काफी जहां तेज करता हुआ कॉर्नर किक लेता हुआ एक लंबा किक लेकिन गोलकीपर के द्वारा अच्छा बचाव। फिलहाल सहदेव एकादश दाहिने छोर से जर्सी नंबर 9 मास्टर टीम बाएं छोर से बहुत ही अच्छा 12 के लिए जगह बनाने के लिए पृथ्वी राज।